कि आपने थोड़ा सा मुझे टाइम दिया इसमें, और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको थोड़ा सा मेंशन करते हैं कि व्हाट इज़ रूट कैनाल और उसकी हम कैसे केयर कर सकते हैं और अपने टूथ को कैसे बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू स्टार लवर्स टू। आज की मेरी एक्टिविटी है रूट कैनाल। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ CBM में और आज मेरी लास्ट सिटिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फाइनली जो है मेरा ये प्रोसीजर हुआ थैंक्स टू डॉक्टर कुलसूम। और आपके लिए मैंने इनसे छोटा सा इंटरव्यू किया है कि क्या होता है और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अपने टूथ को कैसे सेव कर सकते हैं। सो हियर शी इज। सो आफ्टर दिस डिस्टर्बेंस अभी मैं डॉक्टर कुसुम से आपसे मुलाकात करवाती हूँ। और अगर आप मलेरिया या इसे करीब के एरियाज में हैं लाइक मॉडल और फैल्कन टू यू नो नियर बाय, और आई विल हाईली रिकमेंड डॉक्टर कुसुम एट CBM बोस्तान लाइन। इट्स अ बोस्तान लाइन। थैंक यू। चलें जी। वालेकुम डॉक्टर कुसुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? सो नाइस ऑफ यू कि आपने थोड़ा सा मुझे टाइम दिया इसमें, और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको थोड़ा सा मेंशन करते हैं कि व्हाट इज़ रूट कैनाल और उसकी हम कैसे केयर कर सकते हैं और अपने टूथ को कैसे बचा सकते हैं। एक्चुअली रूट कैनाल एक प्रोसीजर होता है डेंटिस्ट्री में जिसमें हम आपके टूथ को सेव करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं, एक तो दांत में जब कीड़ा लगता है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम उसको फिलिंग करके ठीक कर दें, और अगर वो कीड़ा बहुत ज़्यादा आपके दांत की नस के करीब पहुंच जाता है या नस को इन्वॉल्व कर लेता है तो फिर हम रूट कैनाल करते हैं। अच्छा। तो जिस तरह आपके केस में आपका जो पेन था वो इतना ज़्यादा इंटेंस था तो कीड़ा जो है वो आपकी नस को इन्वॉल्व कर चुका था, तो इसलिए वी हैड टू चूज दी रूट कैनाल। अच्छा। तो हमने वो परफॉर्म किया। इसमें बस टूथ सेविंग होती है या इसका कोई और भी बेनिफिट होगा? टूथ सेविंग इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दांत निकाल देना तो बहुत आसान है, 5 मिनट लगते हैं, लेकिन वो उसका जो लॉस है वो फिर थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। दांतों की ड्रिफ्टिंग हो जाती है और अपनी दांत जो है वो जगह छोड़ देते हैं, तो बेहतर होता है कि आप दांत को सेव करें और जितना ज्यादा हो सके दांत आपके मुंह में रहे। तो उसके लिए हम रूट कैनाल करते हैं, आपकी नसों की सफाई करके उसको डेड करके आपके माउथ में छोड़ देते हैं। अच्छा। वैसे मैं जो हूँ ट्वाइस अ डे जो है वो क्लीन करती रही हूँ, ब्रश करती रही हूँ, लेकिन कभी ओकेजनली जैसे मैंने बताया कन्फेस किया कि मैं छालियाँ या वो पानी जो है ओकेजनली जब सिटी में कभी जाते थे तो लेती थी, लेकिन ये जो प्रोसीजर हुआ जो और मेरा मैंने विजडम टूथ का भी हुआ वो ये था कि जब मेरी थर्ड बेबी हुई तो तब उस दौरान जो है बेबी फीड के दौरान ही मुझे पता चला कि मेरे टूथ में हॉल हो चुके हुए, यानी अचानक ही वो एक प्रोसीजर हुआ, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए फिर क्या किया जाए? एक्चुअली देखिए कैविटी जो है वो लैक ऑफ कैल्शियम से उसका रिलेशन थोड़ा कम है। आप कैविटी जो नॉर्मली लगती होती है वो दो दांत के बीच में लगती है खाना फंसने की वजह से, तो एंड नंबर टू ऑल्सो गम हेल्थ जो है वो हमारी भी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से गम जो है वो अपनी जगह छोड़ देता है और दो दांतों के बीच में गैप क्रिएट होता है और वहाँ खाना फंसता है एंड देन कैविटी लगती है। सेम एज योर केस कि वो पीछे से कैविटी लगी, आप ऊपर से तो बहुत अच्छा क्लीन कर रहे थे लेकिन जहाँ पे हमें पहुँचना चाहिए था वहाँ पे ब्रश नहीं जा रहा था। उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं फ्लॉस। अच्छा। कि खाना खाने के बाद आपने अपने तमाम दांतों के बीच में फ्लॉस करना होता है, उससे ये होता है कि वो हिडन एरियाज जहाँ पे कैविटी लग सकती है वहाँ पे फ्लॉस चला जाता है। अच्छा, कहते हैं फ्लॉस के यूज करने से स्पेसेस भी आ जाते हैं दांतों में? नहीं, फ्लॉस इज वेरी सेफ। फ्लॉस तो इट्स सच अ फाइन मटेरियल होता है तो वो कोई स्पेस क्रिएट नहीं करता है। इनफैक्ट टूथपिक जरूर कर लेती है। टूथपिक इज वेरी डेंजरस, वो कभी यूज नहीं करनी चाहिए दांतों के बीच में। बिल्कुल। तो अब इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या करें? बस क्लींजिंग रखें अपने दांतों की। बिल्कुल जी, ट्वाइस अ डे एवरी डे एंड यूज अ गुड सॉफ्ट टूथब्रश एंड एवरी टाइम आपका जब टूथपेस्ट फिनिश होता है तो यू हैव टू चेंज द ब्रांड, आइदर यू चेंज द फ्लेवर। इट्स नेवर द सेम टूथपेस्ट थ्रू आउट योर लाइफ, नेवर। तो यू ऑलवेज हैव टू चेंज द फ्लेवर। अच्छा, जर्म्स भी उसके आते जाते हैं ना, उसको फिर एंजॉय करने लगते हैं। यस एग्जैक्टली, तो यू हैव टू डू दैट। और फिर हर खाने के बाद आप कुल्ली करें। जो आपका अगर आप मीठा बहुत ज्यादा लेते हैं, चॉकलेट्स या बच्चे कैंडीज लेते हैं, तो जो इंटरवल है आप उसको बड़ा कर दें। अब बच्चा हर 10 मिनट के बाद एक कैंडी खा रहा है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा कैविटी लगेगी, आप जो मर्जी कर लें लेकिन इंटरवल्स आप बढ़ा दें तो इंशाल्लाह सब सेटल रहेगा। तो आज मेरी लास्ट सिटिंग है। बिल्कुल, आज आपकी लास्ट सिटिंग है। होपफुली इट विल वर्क बेस्ट। इंशाल्लाह इट विल वर्क ग्रेट फॉर यू। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू जी।
जी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मेरा रूट केनाल का काम करवा रही हूँ और CBM से करवा रही हूँ. वैसे तो जैस्मिन का जो काम है अलाइनमेंट का, वो तो CMS से ही हो रहा है, लेकिन रूट केनाल के लिए आई हाईली रिकमेंड CBM. और यहाँ पे डॉक्टर कुलसूम है जो कि मैं बहुत अरसे से उन्हें जानती हूँ और बहुत अच्छा परफेक्ट काम भी करती हैं. तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, फिलिंग इज़ फाइनली डन. आज मेरी लास्ट सिटिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी मुझे तो बिल्कुल नमनेस से फील हो रही है. बिल्कुल भी जो है किसी किस्म की फीलिंग नहीं आ रही है, ना रात को दर्द ना हो. बट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम लगा है, बहुत तवज्जो के साथ डॉक्टर कुलसूम ने देखा, और होपफुली इट विल गो वेल ऑल द वे. चलें जी, बहुत टाइम लगा इसमें क्योंकि बहुत ही पेशेंस और सब्र सुकून से करने वाला काम है, और मुझे उसका टेंशन हो रही है कि मैंने डिनर में क्या देना है बच्चों को. तो अब घर चल के देखते हैं कि क्या देंगे. होपफुली यू गोना लाइक द व्लॉग, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी. और अल्लाह ताला से आप सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, खैरियत से रखे, और अपने अमान में रखे. ठीक है, टिल नेक्स्ट वीडियो, टिल नेक्स्ट व्लॉग, सी यू, टेक केयर, बॉय बॉय. Just check my camera work.